हेलो एवरीवन वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म आज के इस सेशन से हम फिर से कवर अप करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन थोरिटिकल नॉलेज लेकर के प्रैक्टिकल नॉलेज तक आपको कनेक्ट करेंगे हमारी सेशन हमारी सीरीज चल रही है इनकम टैक्स की इनकम अंडर हेड सैलरीज तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीव ट्रेवल कंसेशन सेक्शन टेन सब क्लॉस फाइव सेक्शन याद करना कोई कंपल्सरी नहीं है बट आपके रेफरेंस के लिए हम सेक्शन शेयर कर देते हैं ताकि आपको इसे वैल्यू एडिशन मिल सके तो जैसा कि नाम है इसका लीव ट्रेबल कंसेशन इसका मीनिंग क्या हुआ इसका मतलब ये है कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को लीव देता है छुट्टियां देता है ट्रेवल करने के लिए बोलता है आप बोल एक कंडीशन एक है कि आप ट्रेवल पे जा सकते हो और उसके लिए लीव मिलेगी लेकिन ये असिस्टेंस वर्ड है लीव ट्रेवल असिस्टेंस तो जो असिस्टेंस है उसका मतलब क्या है कि लीव के लिए आपको लीव दी जा रही है ट्रेवल करने के लिए और उसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ कंसेशन मिलेगा यानी आप टैक्स देने से बच सकते हैं आपको उन पर्टिकुलर अमाउंट पे उस पर्टिकुलर अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा तो अगर हम इसे एक बेसिक लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करें तो लीव ट्रेवल जो हमारा असिस्टेंस है या लीव ट्रेवल कंसेशन है वो एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा मिलता है और उसकी फैमिली को भी ये बेनिफिट अवेलेबल है ठीक है और ये जो लीव है आप कहीं पे भी घूम सकते हैं लेकिन वो प्लेस जो है वो इंडिया में होनी चाहिए इंडिया के बाहर नहीं होनी चाहिए सर्विस के दौरान होनी चाहिए आप कहीं पे भी घूम सकते हैं इंडिया में ठीक है और इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं आप कहीं पे भी जो घूम रहे हैं वो आप अगर सर्विस के दौरान नहीं भी घूम पाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट या आपकी सर्विस जब टर्मिनेट हो जाती है उसके बाद भी आपको ये बेनिफिट मिल जाता है यानी एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉयी को लीव ट्रेवल असिस्टेंस देता है चाहे आप इंडिया में कहीं पे भी घूमे अपने सर्विस के दौरान या आपके रिटायरमेंट के बाद या आपके सर्विस के टर्मिनेशन के बाद ये बेनिफिट जो है आपको एज एन इंडिविजुअल को मिलता है और फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आ गया फैमिली मेंबर्स में आ गया आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या वाइफ और आपके बच्चे यानी चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल ठीक है आपके पेरेंट्स आ सकते हैं ब्रदर एंड सिस्टर आ सकते हैं ठीक है जो कि आपके ऊपर होली या मेनली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो उस इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट हो तो स्पाउस और चिल्ड्रन तो जनरली कवर अप हो रहे हैं बट पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स जो है वो होली या मेनली मेनलीपेंडेंट है इंडिविजुअल के तो वो भी लीव असिस्टेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ठीक है चाइल्ड की जहां तक बात होती है तो कितने भी चाइल्ड हो वो कवर अप होंगे नहीं चाइल्ड की एक लिमिट है ठीक है चाइल्ड में आपका जो है केवल दो चिल्ड्रन इंक्लूड है ठीक है अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है ठीक है सिंगल चाइल्ड है और उसके बाद मल्टीपल बर्थ है तो उन्हें काउंट किया जाएगा और अगर फर्स्ट में मल्टीपल बर्थ है और फिर सिंगल चाइल्ड है तो केवल दो ही बच्चों को मिलेगा तो फर्स्ट मल्टीपल बर्थ को काउंट किया जाएगा चाइल्ड में चाइल्ड चाइल्ड हो yes, हो या स्टेप सब तो हमने अगर देखा कंडीशन के बारे में अगर हम वो एक इंडिविजुअल को मिलेगा चाहे आप सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो

दो आप यूज नहीं करते हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना भी अलाउड है ये आपके रूल टू बी में मेंशन है कि आप इस कंडीशन को कितना बेनिफिट उठा सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद अगर हम कंप्यूटेशन की बात करें कि कितना अमाउंट आपको एग्जेप होगा या कितने अमाउंट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो एग्जेम्पन जो मिल रहा है लीव ट्रेवल असिस्टेंस का वो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेवल होगा यानी ऐसा नहीं कि आप कितना भी कॉस्ट इनकर कर लो वो सब बेनिफिट है उसकी एक लिमिट है आठ के अकॉर्डिंग एक मॉनेटरी लिमिट है अगर आप एयरवेज एयरवे ट्रेवल कर रहे हैं तो इकोनॉमिक क्लास का जो खर्चा है आपने जो इकोनॉमिक क्लास का एक्सपेंस इनकर किया है जो भी शॉर्टेस्ट रूट है आपका शॉर्टेस्ट रूट आपका नेशनल एयरवे का वो आपको एग्जेबिशन के लिए अलाउ हो जाएगा यानी जो एयर के थ्रू है इकोनॉमिक क्लास का होना चाहिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होना चाहिए अगर आप एयरवेज से नहीं जा रहे हैं ठीक है तो हम ये मान रहे हैं अगर आप ट्रेन के थ्रू आप ये बेनिफिट ले रहे हैं यानी रेलवे सर्विस ले रहे हैं तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा आपको जो फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर है जो भी फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर होगा एसी का आपका जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा उसका जितना कॉस्ट होगा वो आपको एग्जिबिशन अलाउड हो जाएगा और अगर आप जो है किसी और रिक्नाइज ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं आप रेलवे के थ्रू नहीं जा रहे हैं लेकिन अदर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहे हैं तो आपको डीलेक्स क्लास का जो खर्चा है शॉर्टेस्ट रूट का वो डीलेक्स क्लास का कॉस्ट आपको अलाउ हो जाएगा और अदर कोई मोड है कोई अदर ट्रांसपोर्ट है तो आपको फर्स्ट क्लास का एसी का जैसे रेलवे का एयरफेयर है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूल का खर्चा

आपने आप कोई ऐसा खर्चा किया और आपके एम्प्लॉय ने आपको री किया है और वो इन एक्जेंशन लिमिट से ज्यादा है यानी ये जो हमने डिस्कस किया एयरवेज रेलवेज और रिकग्नाइज ट्रांसपोर्ट और अदर केसेस इनसे अगर ज्यादा आपने खर्चा किया है तो वो हो जाएगा टैक्सेबल इनकम अंडर हेड सैलरी एज अ पर्पोजिट ठीक है तो आपको अमाउंट जो एग्जेपन का अमाउंट है वो आपके खर्चे से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है जो भी एग्जेम्पन होगा आपके खर्चे के लिमिट में होगा खर्चे से ज्यादा एग्जेम्पन अलाउ नहीं होगा अगर आपने खर्चा ज्यादा किया है ठीक है तो भी एग्जेपन आपको ये स्पेसिफाइड लिमिट के हिसाब से ही मिलेगा उससे ज्यादा अगर आपका अमाउंट आपको रीनवर्स हुआ है आपके एम्प्लॉयर के थ्रू तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी ठीक है लीव ट्रेबल कंसेशन और असिस्टेंस जो है आप अगर जर्नी नहीं करते और इनकैश करते हैं तो ये फुली टैक्सेबल हो जाता है आप बिल्कुल भी चढ़नी नहीं करें और उसे कम्पलीटली कैश करा लें तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जो एक्सपेंस अगर रिमबर्स हो रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रेवल का छोड़ करके आपकी बोर्डिंग और लोजिंग वगैरह का वो भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जो भी अमाउंट आपको अपने एम्प्लॉयर से आपके कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग से ज्यादा मिल रहा है वो सब टैक्सेबल होने वाला है इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर। सो आई बिलीव आपको आज के सेशन में लीव ट्रेवल कंसेशन या लीव ट्रेवल एसिस्टेंस से आपको वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल चुकी हो अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके उसे क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ ये जो कंटेंट है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मिलने वाला है और आप इसका पीडीएफ आपको लिंक में शेयर कर दिया जाएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं रिविजन के लिए क्विकली मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी हमने आज डिस्कस किया लीव ट्रेवल असिस्टेंट्स की बेसिक मीनिंग ये क्या है लीव ट्रेवल असिस्टेंट्स नाम खुद में ही बोल रहा है क्या है ये इम्प्लॉयर

करते परफॉर्म और कैश करते हैं वो फेयर है, है और अगर आपने अपने से कुछ की है, वो भी टैक्सेबल होने वाली है और जो अमाउंट की एक्सेम्पशन की अमाउंट है वो आपकी कभी भी आपके एक्सपेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तो आज के सेशन में हमने काफी कुछ डिस्कस किया लीव ट्रेवल के बारे में लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में कंटेंट आपको मिल चुका है दोनों हिंदी और इंग्लिश में आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने वैल्यूडेड नोट्स ऐड कर सकते हैं और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे इनकम टैक्स में स्टे कनेक्टेड टेक केयर बाय एंड जय हिंद